आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर टू का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 40 से आगे 41 से शुरू करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये 41 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा, सब याद हो जाएगा, अंत तक आपको पूरा याद हो जाएगा, बस इसको आप ध्यान से देखते रहिए। तो हमारा ये 41 नंबर क्वेश्चन है, जैन द्वितीय ने धार्मिक स्वतंत्रता पत्र जारी किया था, यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि कब जारी किया था, ध्यान समझिए। क्वेश्चन हमेशा यही नहीं पूछेगा कब जारी किया था, जारी किया था पूछ दिया क्वेश्चन, अब आपको बताना है। ये 1688, बी 1687, सी 1689 और डी 1667। तो ये 1687 में जारी किया गया था जैन द्वितीय द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पत्र। 42 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी, ये जो औद्योगिक क्रांति थी किस देश में प्रारंभ हुई थी, ए फ्रांस, बी रूस, सी इटली और डी इंग्लैंड। तो ये जो औद्योगिक क्रांति थी ये इंग्लैंड में सबसे पहले कहां पर उत्पन्न हुई थी, इंग्लैंड में, उसके बाद सारे जगह पर ये औद्योगिक क्रांति क्या हो गई, फैल गई। उद्योगों में क्रांति आई थी, उद्योग का मतलब समझते हैं व्यापार, बिजनेस, व्यापार में क्रांति एक आई थी, तो उसी को क्या कहते हैं औद्योगिक क्रांति। उसी समय से उद्योग धंधे सब बढ़ने लगा, अधिकतर मतलब ज्यादा तेजी से उस समय बढ़े थे। आगे बढ़ते हैं, ये 43 नंबर, अमेरिका का खोज किसने किया था, ये तो पता ही होगा, ए मैगलेन, बी कोलंबस, सी कैप्टन कुक और डी मार्को पोलो। तो ये कोलंबस ने किया था 1492 में, कब किया था 1492 में कोलंबस ने किया था। आगे बढ़ते 44 नंबर, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था, ए 1642, बी 1632, सी 1738 और डी 1835। तो ये हुआ था 1642 में, क्योंकि उस समय चार्ल्स प्रथम का शासनकाल था यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। उस समय राजा कौन था यहाँ पर इंग्लैंड में, चार्ल्स प्रथम। ये भी पूछ दिया जाता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था उस समय राजा कौन था, तो चार्ल्स प्रथम था, कब हुआ था 1642 में। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, ए कैप्टन कुक, बी जोन, सी मैगलेन और डी मार्को पोलो। तो ये मैगलेन ने विश्व का सर्वप्रथम चक्कर लगाया था, आप लोगों को पता भी होगा मैगलेन ने विश्व का क्या किया था, सर्वप्रथम चक्कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं ये 46 नंबर है, उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने किया था, उत्तमाशा अंतरिप, ए जोन्स, बी बार्थोलोमियो, सी मार्को पोलो और डी मैगलेन। तो ये बार्थोलोमियो ने किया था, किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज, पूरा इसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, इसी ने उत्तमाशा अंतरिप का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य का पतन में कौन कारण थे, ये आर्थिक असंतोष, बी राजनीतिक भ्रष्टाचार, सी सैनिक तंत्रवाद और डी उपयुक्त में सभी। तो ये क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त में सभी। ये रोमन साम्राज्य का पतन पढ़ाए होंगे तो आप पढ़े भी होंगे, उसमें एक एक पॉइंट को और बहुत विस्तार से बताया, आर्थिक असंतोष कैसे उत्पन्न हुआ, सैनिक तंत्रवाद कैसे हुआ, राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसे हुआ, पूरा विस्तार से इसको हम बताए हैं। अगर इसको देखना चाहते हैं तो उसका क्लासेस का लिंक जो है वो पेपर टू के क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं वहां से ये रोमन साम्राज्य का पतन में पढ़ाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये इसका हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के पतन में ये सब कारण थे, आर्थिक असंतोष भी था, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सैनिक तंत्रवाद और उपयुक्त में, यानी कि उपयुक्त में ये हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, ए जर्मनी, बी इटली, सी अमेरिका और डी पुर्तगाल। तो ये जो मार्को पोलो था ये इटली का यात्री था, कहाँ का यात्री था, इटली का, ध्यान रखिएगा मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, इटली का यात्री था। आगे बढ़ते 49 नंबर, लैटिन भाषा का संबंध किससे है, ए रोम, बी पेरिस, सी मास्को और डी लंदन। तो ये रोम से, क्योंकि लैटिन भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, रोम से ही मानी जाती है, लैटिन भाषा की उत्पत्ति रोम से मानी जाती है। अगला है 50 नंबर, भौगोलिक खोजों में सर्वाधिक योगदान किसका था, व्यापार, कृषि, धर्म, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें देश का नाम नहीं बताना है, इसमें से बताना है कौन सा कारण सबसे था, ए व्यापार, बी कृषि, सी धर्म, युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार, क्योंकि भौगोलिक खोज क्यों होते थे, व्यापार करने के लिए, व्यापारी ना एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो मुख्य कारण क्या था भौगोलिक खोज होने का, व्यापार ही मुख्य कारण था, भौगोलिक खोज का मुख्य कारण क्या था, व्यापार ही था। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है कि इतना तक बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।